आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। हाय, मेरा नाम है तुषार पांडे और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूं दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूं बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। नवकार परिवार द्वारा सिद्धनाथ पटेल मार्केट खातीपुरा गौरीनगर में निशुल्क नेत्र शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में नेत्र रोगियों के नेत्रों की निशुल्क जांच करने के साथ ही निशुल्क चश्मे का भी वितरण किया गया। इस दौरान मोतियाबिंद के लिए चयनित मरीजों का निशुल्क ऑपरेशन करने के लिए उन्हें बस द्वारा चौइथराम नेत्रालय भी पहुंचाया गया। शिविर संयोजक अनोखी लाल जैन ने बताया कि आज शिविर के लाभार्थी मोहन देवी मनोहर लाल जैन के जन्म दिवस के अवसर पर नेत्र शिविर का आयोजन संपन्न हुआ। इस दौरान लगभग 500 से अधिक लोगों को निशुल्क चश्मे भी वितरित किए गए। प्रातः 10 से 1 बजे तक चले निशुल्क नेत्र परीक्षण शिविर में बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी आंखों की जांच करवाई। नवकार परिवार के सतीश जैन ने बताया कि शिविर संयोजक श्री अनोखी लाल जैन के तत्वाधान में अब तक 179 स्वास्थ्य शिविर लग चुके हैं। यह 180वां शिविर है। मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए चयनित मरीजों को चौइथराम अस्पताल में ले जाने के बाद यहां उनकी विभिन्न जांचें होंगी। तत्पश्चात कल उनका ऑपरेशन किया जाएगा। जैन श्वेतांबर सोशल ग्रुप सीनियर सिटीजन के प्रचार प्रभारी अनोखी लाल जैन ने बताया कि समाज की संस्था के माध्यम से कमजोर आर्थिक परिस्थिति वाले लोगों को स्वास्थ्य लाभ की दृष्टि से आयोजन किए जा रहे हैं तथा इसमें हर धर्म समाज एवं जाति के लोग निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का लाभ उठा रहे हैं। मुझे वही मेन रोड से कल बहुत गाड़ी बढ़िया। हाँ, मालूम पड़ गया। हाँ, अच्छा ऐसा क्या चार बारे में आना। हाँ, श्वेतंबर जैन समाज के संस्था के माध्यम से किया जा रहा है, जिसके मुख्य शिविर के लाभार्थी आदरणीय मोहन देवी मनोहर लाल जी साहब जैन है। आदरणीय काके साहब का जन्मदिन है और इस मुख्य शिविर के आयोजककर्ता सम्माननीय अनोखी लाल जी साहब जैन है, जो इंदौर में 179 शिविर आयोजित कर चुके हैं और आज का 180वां शिविर है। क्या कितने लोगों को चश्मा वितरण यहाँ पर आज किया जाएगा? करीबन 500-600 लोगों का चश्मा वितरण किया जाएगा और जिन लोगों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन होना तय है, उन्हें बाहर गाड़ी लगी हुई है, उनकी शाम को यहाँ से चौइथराम अस्पताल ले जाया जाएगा और संपूर्ण जांच करने के बाद कल उनका ऑपरेशन किया जाएगा। ये सब निःशुल्क होता है। हमारे द्वारा 179 शिविर लगाए जा चुके हैं और ये हमारा 180वां शिविर है और इसके माध्यम से हम सतत गरीब वर्ग में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों की सेवा करते आ रहे हैं। आज यहाँ पर कौन सा अस्पताल के सहयोग से और किन के सहयोग से यहाँ पर शुरू करें? जैसा कि हर साल हम लगाते हैं और हर दिन लगाते हैं, हर प्रतिवर्ष लगाते हैं, चौइथराम नेत्रालय के माध्यम से हमारा ये शिविर लगता ही रहता है, सतत चलता रहता है। और शिविर न केवल हम इंदौर में लगाते हैं बल्कि इंदौर के आसपास 200 किलोमीटर की रेंज तक हमारा शिविर लगता है। उधर बुरहानपुर तक जाते हैं, इधर नीमच तक जाते हैं हम लोग। देखा गया कि लाइन बड़ी कतार लगी हुई है, लोग बड़े उत्साहित हैं, अपनी आंखों की जांच भी करा रहे हैं, चश्मा भी प्राप्त कर रहे हैं। क्या कहना चाहिए? ये क्या है, हम लोग यहाँ सतत मेहनत करते हैं, 8 दिन तक पेम्पलेट बांटते हैं, करीब 7,000 से लेकर 8,000 पेम्पलेट हम लोगों ने बांटे हैं और कई लोगों ने यहाँ हमारी मदद की है और ये भीड़ दिख रही है, ये उसी का परिणाम है। आज मेरी धर्मपत्नी मोहन देवी जैन का बर्थडे है और इसी उपलक्ष्य में शिविर लगाया गया है।